प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं आपका आशीष सर, और आज की वीडियो में हम 12वीं वर्कशीट को पढ़ने समझने वाले हैं। ये वर्कशीट क्लास 10 सब्जेक्ट हिंदी की और 2 अगस्त की है। अगर आपको हमारी वीडियो, हमारा पढ़ाना अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी क्लास ग्रुप में शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, और आज का हमारा टॉपिक रहेगा भाषा। भाषा क्या है, भाषा किसे कहते हैं, इसका स्वरूप क्या होता है, और किसे भाषा का दर्जा नहीं दिया जा सकता, जो कि हम अक्सर पढ़ते आ रहे थे। तो चलिए यहाँ पर गद्यांश को पढ़ते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा एक प्राणी दूसरे प्राणी पर अपने विचार, भाव या इच्छा प्रकट करता है और दूसरे के विचार, भाव आदि को ग्रहण करता है। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने भाषा के इसी स्वरूप को पढ़ा है कि भाषा क्या होती है, एक साधन है जिसके द्वारा प्राणी बोले तो इसमें कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, चूहा, मच्छर सारे आ जाते हैं, तो जिसके द्वारा एक प्राणी अपने विचार, भाव और इच्छा दूसरों पर प्रकट करता है और दूसरे के विचार, भाव, इच्छा समझता है। क्या ये भाषा है? देखो, इस यदि इस भाषा को, परिभाषा को हम ध्यान से विश्लेषण करें तो देखेंगे कि यह परिभाषा भाषा के कार्य को तो प्रकाश डालती है, परंतु उसके प्रकृति को नहीं। मतलब ये बता तो रही है कि भाषा किसे कहेंगे, लेकिन इसके स्वरूप के बारे में, ये क्या है, कैसे है, इसके बारे में पता हमें नहीं चलता है। तो इस परिभाषा को उन्होंने गलत बता दिया कि भाई ये भाषा की परिभाषा सही नहीं हो सकती। और क्या प्रॉब्लम है इसमें? इससे यह ज्ञात नहीं होता कि वास्तव में भाषा कैसे जन्म लेती है, कैसे विकसित होती है और इसका स्वरूप क्या है। ये परिभाषा अगर इसे हम सही से देखें, समझें, तो ये सही नहीं, फिट नहीं होता है। और क्या प्रॉब्लम है इसमें? इस परिभाषा को यदि हम सही मानकर चले तो पशुओं की बोली, भाई पशु भी तो आपस में एक दूसरे के विचार को, भाव को समझते हैं, तो क्या पशुओं की बोली को हम भाषा कहेंगे? बिल्कुल नहीं। इंगित भाषा यानी कि जो एक पार्टिकुलर चिन्ह होते हैं, जैसे कि एरो बना दिए जाते हैं, मुख मुद्राएं होते हैं, वो भी भाषा के अंतर्गत आना पड़ेगा, उन्हें भी हमें भाषा कहना पड़ेगा। यानी कि जैसे हम लेफ्ट टर्न के लिए एरो बना देते हैं, कोई सिंबल होता है कि भाई आगे खतरा है, तो इस तरह से ब्रेकर है, क्या ये भाषा है? नहीं। लेकिन इसमें क्या है, भाव तो प्रकट हो रहा है, इसका मतलब जो ऊपर दी गई परिभाषा है वो सही नहीं है भाषा की। तो क्या हो सकता है भाषा, वो देखें। परंतु इन संकेतों, मुख मुद्राओं को भाषा का नाम नहीं दे सकते। मनुष्य को अपने भाव, विचार और अनुभूतियों को भलीभांति प्रकट करने के लिए ध्वनि संकेतों और भाषिक प्रतीकों का सहारा लेना पड़ता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं। ध्वनि यानी कि आवाज़। हिंदी भाषा में ध्वनि के लिए वर्ण शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है? तो कह सकते हैं हम कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि नहीं बल्कि क्या है, वर्ण है। ध्वनि शब्द से सामान्यतः इसके उच्चरित रूप का ही बोध होता है। अगर हम ध्वनि कहें तो सिर्फ और सिर्फ हमें सुनाई देना या बोलना और सुनना का ही पता चलेगा। क्या हम ध्वनि को लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। किंतु वर्ण शब्द से ध्वनि के उच्चरित यानी कि बोलना सुनना और लिखित यानी कि पढ़ना और लिखना दोनों रूपों का पता चलता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को अगर हम ध्वनि की जगह वर्ण कहें तो वो ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि वर्ण को हम उच्चारण भी करते हैं और लिख भी पाते हैं, हम सुन भी पाते हैं और पढ़ भी पाते हैं। तो ये भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। ध्वनियों को अंकित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं, और जब वर्णों को लिखा जाता है, एक स्वरूप दिया जाता है कि भाई यही अ है, हम इसी को ही आ कहेंगे, अगर ये लिखा है तो इसे हम अ या आ नहीं कहेंगे, क्योंकि ये निश्चित क्रम है, ये फिक्स है, तो इसी को क्या कहते हैं, हम लिपि कहते हैं, ठीक है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, और अगर हम हिंदी भाषा की लिपि की बात करें
तो ये देवनागरी लिपि है। और वर्णों के व्यवस्थित स्वरूप को हम वर्णमाला कहते हैं, यानी कि वर्ण जब एक के बाद एक लिखे जाते हैं, जैसे कि अगर हम कहें अ, उसके बाद आ, उसके बाद ई, और उसके बाद ओ नहीं आता ना, तो देखो ये तो व्यवस्थित क्रम है, लेकिन इसने क्रम को गड़बड़ कर दिया। तो जब सीरियल वाइज चलते हैं हम, तो उसी को वर्णों की माला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित मेल को शब्द कहेंगे। जब वर्ण आपस में मिल जाते हैं, यानी कि आप अपना नाम देख लीजिए, मेरा नाम है जैसे, तो आ शी श, तो आ एक वर्ण है, उसमें श और उसमें ई की मात्रा एक वर्ण है और श अलग वर्ण है। जब इन्हें मिलाया हमने तो ये क्या बन गया, शब्द बन गया। इसी तरीके से देखो, और शब्दों के व्यवस्थित क्रम को वाक्य कहते हैं। जब एक शब्द आपस में आशीष सर हिंदी पढ़ाते हैं, तो ये बहुत सारे शब्द हो गए, जब आपस में मिले तो ये बन गए वाक्य बन गए, ठीक है। और इन्हीं वाक्यों से मनुष्य एक दूसरे के भावों और विचारों को ग्रहण करता है या और अपने विचारों को दूसरों तक प्रेषित करता है। तो भाषा का सही, भाषा की जो सही परिभाषा है वो आपको समझ आ गया होगा कि वाक्यों से मनुष्य एक दूसरे के भाव विचार को ग्रहण करे और अपने विचारों को दूसरों तक प्रेषित करे। वो अगर वाक्य हैं तो ही भाषा कहलाएगी। यानी कि अगर सिंबल है, मान लीजिए हमने ये ऐसे एरो बना दिया तो ये है राइट टर्न, हमने ऐसे बना दिया तो ये है लेफ्ट टर्न, इनसे हमें भाव तो पता लग रहा है लेकिन ये हमारी भाषा नहीं है। तो अगर भाषा की परिभाषा कह दें तो देखो ये रहा, वाक्यों से मनुष्य एक दूसरे के भाव विचारों को ग्रहण करता है और अपने विचारों को दूसरों तक प्रेषित करता है, इसी को हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। तो चलिए पहला सवाल भी यही है कि उपर्युक्त अनुच्छेद में भाषा की क्या परिभाषा दी गई है। तो आप लिख सकते हैं कि वाक्यों से मनुष्य एक दूसरे के भाव विचारों को ग्रहण करता है और अपने विचारों को दूसरों तक प्रेषित करता है, इसी को भाषा कहते हैं। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो पूरा लिखोगे, भाषा की सबसे छोटी इकाई आपकी वर्ण है, ठीक है। अगला देखो, वर्ण आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं। तो वर्णों के आपस में मिलने से आपके शब्द बनते हैं, क्लियर है। और अगला है, लिपि किसे कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि का नाम बताइए। लिपि कहते हैं भाषा के एक निश्चित स्वरूप को लिखने का तरीका होता है, अंकित करने का तरीका होता है, ठीक है। तो जैसे जब हम अंकित करते हैं इसे, ध्वनियों को, वर्णों को, तो अंकित करने की जो चिन्ह बनाए गए हैं उसे हम लिपि कहते हैं। और हिंदी भाषा की लिपि का नाम है देवनागरी। अब आगे देखो, अपने आसपास की ऐसी ध्वनियों की पहचान करके उसकी सूची बनाएंगे, लिस्ट बनाएं, जिन्हें आपने सुना है लेकिन उनके लिए किसी वर्ण या भाषा प्रतीकों की व्यवस्था नहीं की गई है, जैसे चिड़ियों की चहचहाहट। अब देखो, चिड़ियों की चहचहाहट हम सुनते तो हैं लेकिन वो भाषा नहीं है, उसे हम बोली कहेंगे, और चिड़ियों की आपस की बोली है जिसके लिए प्रतीक चिन्ह नहीं बनाए गए हैं। तो ऐसे ही आप कौन कौन से लिख सकते हैं, तो इसके लिए आप कह सकते हैं डीजे की आवाज़। भाई डीजे बज रहा है लेकिन आवाज़ तो आ रही है, लेकिन हम डीजे की उस आवाज़ को हम प्रतीक चिन्ह यानी कि लिख नहीं सकते। दूसरा है कह सकते हैं हम रोने की आवाज़, भाई बच्चा रो रहा है, हंस रहा है, तो ऐसे क्या है, हंसी है लेकिन उसे हम लिख नहीं सकते। इसी तरीके से डांटने का, तो और कौन कौन सी आवाज़ हैं उनकी लिस्ट बनानी है। एग्जांपल मैंने आपको कुछ बता दिए हैं, जैसे डीजे की आवाज़ हो गई, बच्चे के रोने की आवाज़ हो गई, मम्मी के डांटने की आवाज़ हो गई। तो इस तरीके से जो आवाज़ है इनके लिए प्रतीक चिन्ह नहीं बनाए गए हैं। आशा करता हूँ आपको आज की वर्कशीट समझ आई होगी। अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए और नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।